हेलो दोस्तों, आभार अभिनंदन आप। तो मैं एक क्यूट से बच्चे को लेकर आया हूँ आपके पास। कुछ इससे पूछते हैं स्कूली लाइफ के बारे में, क्या कुछ बतलाते हैं। चलिए, आपका पहले नाम क्या हुआ? ऋषिराज। और कौन से क्लास में पढ़ते हो? LKG। तो स्कूल जाते हैं? हाँ। स्कूल जाते हैं तो उसमें पढ़ाई चलता है अच्छे से? हाँ। तो वहाँ पे टीचर ये सब डांटते भी है क्या? हाँ डांटते हैं। मतलब क्या करते हैं, पनिशमेंट में क्या देते हैं? मारते हैं। कैसे मारते हैं? डंटा से मारते। और पढ़ाई लिखाई कैसा चलता है? ठीक चलता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो या सरकारी में? हाँ, प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ता है। तो प्राइवेट का जो पढ़ाई है ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा लगा आपको? खराब। खराब लगता है? मतलब उसमें क्या खराबी लगा आपको, ये बतलाइए हमको। मन नहीं करता वहाँ लेने का, सीधे घर पे मोबाइल देखने का मन। मोबाइल देखने का मन करता है, आप देख सकते हैं। तो मोबाइल में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा उसमें जो आपको? लोबोट्स, गाली लोबोट्स का। अच्छा? मनी लोबोट्स का, टाइट स्लैंग का। हाँ। लोबोट का, बस वही। अच्छा, तो ये सब आपको पापा? हेलो भाई, मोटू पतलू। ठीक है, तो ये मोटू पतलू ये सब देखते हो? तो पापा आपको देते हैं या फिर कभी कभी डांट भी पड़ जाता है? नहीं, मम्मी का पापा का मोबाइल खराब है। अच्छा। फिर मोबाइल था तो पापा मेरे मोबाइल ले जाते हैं। हाँ। मैं मम्मी का मोबाइल देखते लाता हूँ, ऑन ऑफ करके देता हूँ। ऑन ऑफ करके तभी देते हो? ऐसे नहीं देखते लेता, ऑन ऑफ हो जाता तो। अच्छा, तो ये तो बहुत है। लेकिन डांट भी पड़ा क्या कभी बहुत ज्यादा मोबाइल देखने पर? नहीं, डांट नहीं पड़ता है। नहीं, मम्मी पापा नहीं दबाते हैं क्या? नहीं। तो ऋषिकेश जी, आप बताइए आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? पिज्जा। हाँ? पिज्जा रोटी, फिर से बैंगन के सब्जी और रोटी, कदुआ के सब्जी रोटी, झींगा के सब्जी रोटी, आलू के सब्जी रोटी। यानी आपको सब कुछ अच्छा लगता है? रोटी सब्जी। चलो, सब कुछ अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा लगता है ना। और एक चीज और पूछना चाहते हैं, आपको कभी गुस्सा आया है क्या? नहीं, गुस्सा आता है कब आता है ये बताइए। जब ये गली आता है मोबाइल देखने के गली, तभी। मतलब क्या, नहीं समझ पा रहे, फिर से बताइए। जब ये गली आता है ना। हाँ? तो ही गुस्सा आता है क्योंकि हम मोबाइल देखते हैं। हाँ? जब मुझको मोबाइल। अच्छा, वो स्कूल वाला जो बस आता है तब? नहीं, ये जो अभी गली गया है, ये वाला जो जा रहा है, इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है आपको? मतलब आप पढ़ाई करते हैं और परेशान कर के वोट वाला हुआ है। अच्छा, वोट वाला बहुत परेशान करता है, बहुत बार जाता है। चलिए, ये सब हो गया। मतलब इस बार बतलाइए आप, दीपावली जो हुआ है इसमें पटाखे छोड़े थे कि नहीं? छोड़े थे। हाँ? लेकिन हाथ भी पाक गया। हाथ भी पाक गया? हाँ। कहाँ पे, दिखाओ। अच्छा, कैसे हुआ ये? हम किनाया छोले थे, बहुत सारे छोले थे। हाँ? लेकिन एक किनाया छोले, लेकिन 10 साल में नहीं छूटा, अरे घर माँ में छूट गया, हाथ जल गया। अरे तो सतर्कता से अब छोड़ना, अब छठ पर्व आ रहा है, ठीक है, तो फिर छोड़ना है। मैम दूसरा लाल फटाका एकदम छोले फटाफट। हाँ? देख सकते हैं कितना एंजॉय करता है। तो इसके बाद अब छठ पूजा आने वाला है, ठीक है, तो छठ पूजा में आप क्या करने वाले हो? डाला उठा के छठ पवनी में ढालेंगे नदी में। अच्छा, नदी में रख देंगे, नदी के बगल में? हाँ, हम नदी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। तो आप लोग कहाँ पे जाते हैं, नदी में जाते हैं क्या? नहीं, मेरे पापा और मैं। पापा जाते हैं। तो आज आप क्या सुनाना चाहते हो? और से अनार सुनाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक इसको याद है, क्या सुनाता है। चलिए सुनाइए। तो देख सकते हैं कितना जल्दी और इस क्यूट से बच्चे ने पूरा हिला करके रख दिया है। तो ऋषिकेश जी, आपसे एक और छोटा सा सवाल है, और बतलाइए आप बड़ा होकर के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, फिर से नौकरी चाकरी। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना इसके पास, छोटे से बच्चे के पास कितना सारा सपना भरा हुआ है। तो इनसे कुछ सीखने को मिल सकता है, आप भी अपना सपना तय करें और इस बच्चे की तरह, क्या भोला वाला है, क्यूट सा। तो मेरे दर्शकों को बाय बोल दीजिए और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बोल दीजिए, बाय बाय। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही क्यूट से बच्चे को लेकर। आज के लिए बस इतना है।